आपकी एक दोस्त को उसके डैड ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया था। हेलो ऑल, हाउ आर यू? सेक्सी? नो नेताजी, नो आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? आप 21 साल की हैं? जी। आप रोडी क्यों बनना चाहते हैं? आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा फ्रीडम, बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं मिलती है। रिसेंटली आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ यूथ वुमेन लीडर इन USA, जहाँ पर 80 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी। उसके अंदर से इंडिया से मैं गई थी एज अ रिप्रेजेंटेटिव वुमेन इश्यूज को लेकर के, और आई वॉन्ट टू एलिवेट वुमेन्स वॉइसेस। आप कौन से कॉलेज में? आई हैव बीन द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम मिरांडा हाउस। व्हाट पार्टी आर यू फ्रॉम? ABVP। ओके, यू आर स्टैंडिंग हियर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ABVP टुडे। I can't represent ABVP. Yes, nobody, you are. Nobody can represent ABVP because ABVP is a huge thing. Achha. आप जब भी जहां पे भी जाती हैं और ये कहेंगी कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी यू आर फ्रॉम एंड देयर आइडियोलॉजी, यस और नो? नॉट कंप्लीटली। आई डोंट फुली सपोर्ट द आइडियोलॉजीज बिकॉज़ कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं। Then you should have given yourself zero marks in morals. Because you're no, me, you understand? No. Let me complete. You listen to me. जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना, चाहे वो मर्द हो या औरत, उनकी इज्जत करनी चाहिए। Just because you're a feminist doesn't mean that you can disrespect me. या तो आप उस पार्टी की हैं, तो पूरी रिप्रेजेंट करिए, या बोलिए पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ कि नहीं? बिल्कुल, एब्सोल्यूट। सर, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। आपने आते ढिंढोरा पीटा है कि मैं यूथ की एक पॉलिटिशियन हूँ। मैंने स्टूडेंट एक्टिविस्ट बोला, आई डिडंट कॉल मायसेल्फ। यू डिड से दैट यू आर पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। यू आर एन एक्टिविस्ट हु इज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज़ आई नो दैट। और यू आर अ पॉलिटिशियन हु इज रिप्रेजेंटिंग और इज पार्ट ऑफ अ फ्रिकिंग पॉलिटिकल पार्टी। एंड आई एम सो सॉरी इफ यू फेल्ट ऑफेंडेड। सवाल का जवाब क्या है? क्या आप एक पॉलिटिशियन है या आप एक एक्टिविस्ट है? मैं एक्टिविस्ट हूं। तो आप ABVP में नहीं है? मैं ABVP में हूं। सो यू रिप्रेजेंट ABVP एंड देयर आइडियोलॉजी? यस, देयर आइडियोलॉजी। यू कैन कॉल इट, यस। व्हाई डिड आई हैव टू गो 5 मिनट्स अराउंड द ब्लॉक फॉर यू टू से दैट? बिकॉज़ आई प्रेशराइज्ड यू। अच्छा, आपने एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को मारा था, तो वो क्यों मारा था? फीमेल कांस्टेबल को भी। प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर मेरे को बस में जबरदस्ती भरा जा रहा था, फीमेल कांस्टेबल्स मेरे को लेकर के जा रही थी। उन्होंने मेरे को यहाँ गर्दन से पकड़ा हुआ था और मेरा हाथ ऐसे पीछे बांधा हुआ था, एंड दे वर किकिंग मी फ्रॉम द बैक, दे वर ड्रैगिंग मी बहुत बुरे तरीके से। और वो मेरे को बस में जैसे घुसाने की कोशिश करते, बस के साइड के हैंडल्स होते हैं, तो मैंने पकड़ के मैं अंदर नहीं जाती, दे वर पुशिंग मी इन आई वाज गोइंग आउट। सो दिस सीनियर इंस्पेक्टर, ही वाज स्टैंडिंग राइट ऑन द स्टेयर्स ऑफ द बस, तो उसने मेरे को ऐसे चेस्ट पे से पकड़ के यूं करके अंदर खींचा। तो फर्स्ट थिंग, वो मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। उनको किसने परमिशन दी है, क्या किस पर्पस से लगाया? आई आउटरेज, मेरे से नहीं हुआ कंट्रोल। साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, दे स्टार्टेड लाठी चार्जिंग अस। मेरे को बहुत चोट लगी थी उस दिन, तो उस दिन मेरी बहुत सारे पेपर्स में पिक्चर छपी थी। तो ये सब आप ये जो एक्टिविज्म करते हैं पिक्चर छापने की वजह से करते हैं? Never, ma'am. You're mistaking my statement. No, I'm just asking you questions. You're very excited about the fact कि आपकी photo जो है newspaper में आई थी. Obviously. So I'm only asking you a question. Ma'am, if you work something और आपको पीछे से थोड़ा सा थपकी देते ना माँ बाप की, हाँ अच्छा कर रहे हो. Because politics जो है ना बहुत ज़्यादा, या ये सब जो धरनेबाजी होती है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं करते हैं, लड़कियों के लिए चोट आती है। मेरे को रोड पे इस कोने से दूसरे कोने तक रोड पे ऐसे खचेड़ के ले गए थे मेल कांस्टेबल्स। मलाला यूसुफजई का नाम तो सुना ही होगा। हाँ। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल एक्टिविज्म एंड राइट्स एंड टू स्टैंड अप फॉर वुमेनहुड, शी हैज लेड बाय एग्जांपल। अगर आप चोट की बात कर रहे हैं तो वो होती है चोट। उन्होंने तो कभी किसी को मारा नहीं। She was shot in her head. और उन्होंने कभी इतनी aggressively तो बात नहीं की जिस तरह से आप कर रहे हैं। Activism में ये जो आपके साथ हुआ, ये होता है। That's why लोग आपको एक इज्जत से देखते हैं।
That is the respect you get. As soon as you retaliate, it gets nullified. I'll tell you what exactly happened. I'm telling you, commendable hai, well done, proud of you, all of that is great. Actism mein sabse zyada cheez hoti hai patience ki. Revolutions don't happen overnight. आपकी एक दोस्त को उसके डैड ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया था. व्हाट इज दैट स्टोरी? मेरी एक फ्रेंड थी, 9th-10th स्टैंडर्ड की बात है. तो पहले शी यूज्ड टू बी माय सीट पार्टनर. धीरे 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 शी स्टार्टेड आइसोलेटिंग, अलग बैठने लग गई और ऐसे अलग अलग सी रहने लग गई. एक दिन मैं फाइनली आई टुक हर टू वॉशरूम बिकॉज उसके यहाँ पर मार्क था. शी टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे माय फादर 5th स्टैंडर्ड से उसके साथ में सेक्सुअली अब्यूज करते हैं. शी नेवर टोल्ड इट टू एनी वन. मे बी शी इज नॉट यू नो करेजियस इनफ कि वो जाके अपनी मम्मी से बात करे इस बारे में. मैं उसके घर आकर के आंटी को बताया तो आंटी ने मेरे को बोला कि दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न, तुम इससे दूर रहो, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद देख लेंगे, गेट आउट ऑफ माई हाउस. अगले दिन से वो स्कूल नहीं आई. What happened then? What was this? What's the situation? She committed suicide. और उस दिन हम लोग वहां पहुंचे, मेरे को अंदर भी नहीं घुसने दिया उन लोगों ने. गेट पे ही उसकी माँ, मेरी सारी क्लास के बच्चे अंदर जा रहे थे, उसकी माँ वहीं से चिल्ला करके बोल रही है, इसकी वजह से मेरी लड़की मर रही है. I still live with a regret कि मैं कुछ नहीं कर पाई. उसके डैड कहाँ हैं आज? They shifted. उस इंसिडेंट के बाद पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. एक्चुअली किसी को पब्लिकली भी नहीं पता था कि हुआ क्या. सुसाइड ये दिखाया हुआ था कि भाई उसके मार्क्स कम आए, वो पास नहीं हो पा रही थी, इस वजह से शी फ्लंग द शी सुसाइडेड. Once you became an activist, आपने क्या किया उस लड़की के लिए? उस लड़की के लिए तो कुछ ऐसा नहीं कर पाई बिकॉज उसके पेरेंट्स को मैं ढूंढ भी नहीं पाई तब से अब तक. बट आपको उनका नाम तो मालूम था. एंड यू आर प्रोबेबली द ओनली गर्ल हु नोज. डोंट यू थिंक दैट हर फादर शुड बी पनिश्ड फॉर व्हाट ही इज डन? फाइंड आउट दैट गाय. जस्टिस Shall be served. Serve it. Maa Medha, मैं आपको एक बात बताऊं. For somebody your age, you have been through a lot. Yeah. It's nice to know कि क्या ऐसे reasons थे, क्या ऐसे circumstances थे कि आप इस मोड़ तक आए. You know exactly what you want to do. You want to make a difference. You have an opinion. You want to voice it. It's very good जो आप कर रहे हैं. Maa Medha. हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको हम में से कौन अपने गैंग मिलेगा. कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन माय गैंग. प्रूव इट टू पीपल that a roadie can also be a great politician one day.